बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हफ्ते में दो छुट्टियाँ होती हैं और छुट्टियाँ हम अपने गांव में अपने अम्मी अब्बू के पास गुजारते हैं और काम काज में उनकी मदद करते हैं। हमने गांव में एक डेयरी फार्म रखा हुआ है। डेयरी फार्म पर काफ़ी सारी भैंसें हैं और गायें हैं, जिनके लिए चारा काटने में और बाकी काम करने में हम अपने अम्मी अब्बू की मदद करते हैं। वैसे तो वहाँ पर मुलाजम भी रखे हुए हैं, दो मुलाजम भी मौजूद हैं, लेकिन अपने हाथ से काम करने का मज़ा ही कुछ और है। बिम्बर आज़ाद कश्मीर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मेरा गांव डब, जो कि तहसील समानी में वाक़ है, बॉर्डर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। हमारा ये गांव खूबसूरत पहाड़ियों के दरमियान गिरा हुआ है। एक खूबसूरत सी छोटी सी वादी है। इस वादी में मौसम बहुत प्यारा है, खूबसूरत मौसम है और इतनी गर्मी नहीं होती। ठंडी ठंडी हवाएँ हर वक्त चलती रहती हैं। भैंसों के लिए ये चारा इकट्ठा करने के बाद हम इस चारे को काटेंगे, काट कर भैंसों के लिए तैयार करेंगे और उन्हें डालेंगे। ये सारे काम करने का एक अलग ही मज़ा है। शहर की रूटीन में इंसान अपना रस्म और रवाज, अपना कल्चर भूल जाता है। हम हफ्ते में दो दिन जब छुट्टी होती है तो अपने गांव चले जाते हैं। गाँव में जाकर इस तरह सारे काम अपने हाथ से करते हैं। लकड़ियाँ भी काट कर लाते हैं और ये चारा वगैरह बैंचों को तैयार करना, बैंचों को पानी पिलाना, बैंचों को जो चारा डालना और उसके साथ साथ उनके चारा काटना भी। ये चारा काटने की मशीन जो है, इसे जब चारा काटा जाता है तो एक अलग ही मज़ा आता है। ये मेरा खूबसूरत फार्म है। यहाँ पर देखें, कीमती बैंचें रखी हुई हैं आला नस्ल की। इन भैंसों का दूध हम गांव में भी देते हैं और उसके अलावा हमारे लड़के जो है वो दूध लेकर यहां से शहर में भी जाते हैं और शहर में जाकर दूध दे के आते हैं। भैंसों के काम से फारग होने के बाद गांव में मौजूद ये देसी हैंड पंप, इसका ठंडा पानी, गर्मियों में इसका पानी बहुत ठंडा होता है और मज़ा देता है। जब आप गर्मी में काम करके आएँ तो इसके ठंडे ठंडे पानी से मुँह हाथ धोएँ और एक सारी गर्मी जो है वो ख़त्म हो जाती है और थकावट का एहसास ख़त्म हो जाता है। सर्दियों में इसका पानी काफ़ी गर्म होता है, इस पानी से नहाया जा सकता है, लेकिन गर्मियों में इसका पानी इतना ठंडा होता है कि इस पानी से नहाने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या नहाया जाए या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और